अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के सेक्शन में हम प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी और जनरल इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिज्म, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कर चुके हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली एक ही उसमें आपके पास ये टॉपिक बनता है, लेकिन सिर्फ सेपरेट इसमें एमसीक्यूज कुछ इस तरह से कि जब आप बेसिकली बात करते हो, आपको उसमें याद होगा सबसे पहले हमने एक राइट हैंड रूल किया था, ठीक है। और एक राइट हैंड रूल आपके पास जो है वो आपको ये बताते हैं कि अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो, जो हमने कल भी क्वेश्चंस देखे थे कुछ जिस तरह की ये वाली सिचुएशन है, तो अगर आपके पास करंट फ्लो करता है किसी भी डायरेक्शन में, अब लेट सपोज यहाँ पे करंट डायरेक्शन अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, तो एक राइट हैंड रूल आप इस तरह से यूज करते हो मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये जो फिंगर कर्ल करने वाला रूल है ये आप यूज करते हो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए, यहाँ पर मेंशन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग चीजें होती है इसमें। अगर डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाए तो आप थंब को रोटेट कर लो इसी तरह से कंडक्टर के साथ ही, और आपकी रोटेशन ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगी। और इसमें एक चीज ये होती है कि अगर लेट सपोज आपके पास कॉइल ही सर्कुलर हो, ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कॉइल सर्कुलर हो जाए तो आप यही ओरिएंटेशन रखोगे अपने फिंगर्स की और थंब की, बस उसमें डिफरेंस ये आएगा कि जो थंब होगा, लेट सपोज आपने थंब इस डायरेक्शन में रखा है अपना, और फिंगर का कर्ल आपके पास कॉइल पे इस तरह से, ठीक है, तो ये जो थंब की डायरेक्शन होगी बेसिकली ये आपको बताएगी कि नॉर्थ पोल आपका कहाँ पर है, ठीक है। नॉर्थ मिल जाएगा तो साउथ आप इसके ऑपोजिट बिल्कुल इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था, और इसके अलावा ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक फर्स्ट कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, कि जब भी हमारे पास करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर के थ्रू, तो आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में जनरेट होती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। उसके बाद हमने फिर इसमें कुछ बेसिक क्वांटिटीज और ऐड की थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि आपके पास अगर करंट फ्लो कर रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, ठीक है, तो दोनों अगर आपके पास वहां पर मौजूद है तो उसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंबाइन करके फिर एक थर्ड क्वांटिटी आपको मिलती है फोर्स की, यानी मोशन की, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल में। तो इसमें बेसिकली हम ये करते हैं कि आपके पास जो है वो करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों बिल्कुल म्यूचुअल परपेंडिकुलर होगी, और जो मोशन की डायरेक्शन होगी यानी फोर्स की डायरेक्शन वो भी आपके पास इन दोनों के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होगी, मतलब तीनों आपके पास सेपरेट एक्सिस पर होंगे, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो तीनों एंगल्स आपको एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री मिलेंगे, तो तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसमें नॉर्मली हम ये करते हैं बेसिकली करंट की डायरेक्शन हो और फील्ड की डायरेक्शन, फर्स्ट फिंगर आपके पास फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, और फिर हम करंट की डायरेक्शन में उसको प्लेस करते हैं, और फिर मोशन की डायरेक्शन आइडेंटिफाई हो जाती है। वो तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम थियोरेटिकल जितना भी डिस्कस कर लें, आपके पास जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे तो तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसके बेसिक क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा थ्योरी इसमें डिटेल्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट सब आपको याद ही होंगे काफ़ी सारे, बाकी आपको पता है कि सेम हमने सारी चीज़ें उसी तरह से डिस्कस की थी ऑलरेडी, वही सारी थ्योरी हम यूज़ करेंगे, कुछ भी अभी नया नहीं है फिलहाल हमारे पास। राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और बस इसमें हाँ फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स आप इंक्रीज कर दो, मैग्नेट स्ट्रॉन्ग यूज़ कर लो, करंट की वैल्यू इंक्रीज कर लो, तो तब आपके पास जो है वो ग्रेटर ईएमएफ और ग्रेटर फोर्स की जो है वो क्वांटिटीज आपके पास एड अप हो जाती है वहां पर। तो सारे खैर फैक्टर्स वगैरह हैं, हम टाइम टू टाइम फिर डिस्कस कर लेंगे, फिर एसी और डीसी का भी हम डिफरेंस देख लेंगे जब उसका क्वेश्चन आएगा कि उसमें डिफरेंस आपके पास किस तरह से होता है। तो क्वेश्चन इसके स्टार्ट हो रहे हैं, बेसिकली क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। अच्छा, पहला ही क्वेश्चन चलो डीसी मोटर का आ गया, तो फिर हम पहले डीसी मोटर भी देख ही लेते हैं। अच्छा, डीसी मोटर में ये था कि डीसी मोटर और एसी जनरेटर, डीसी मोटर इसमें आई थिंक नहीं लिखा हुआ मैंने,
एसी जनरेटर, हाँ डीसी जनरेटर लिख दिया। डीसी मोटर की अगर आप बात करो तो डीसी मोटर में आपको पता है कि कंपोनेंट्स किस तरह से होते हैं, कि सारे कंपोनेंट्स आपको सबसे पहले तो कंपोनेंट्स याद हो, मैग्नेट्स, ब्रशेस, आर्मेचर, कम्यूटेटर, ये सारे कंपोनेंट्स हम इसमें यूज करते हैं। और बेसिकली जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर का काम क्या होता है कि उसमें हम करंट को यूज करते हैं, और बेसिकली करंट को यूज करते हुए हम मैकेनिकल एनर्जी में, बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो हमारी मोटर्स होती हैं तो उन मोटर्स में हमारे पास ये हो रहा होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को हम मैकेनिकल फोर्स यानी मोशन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। उसमें भी आपके पास फैक्टर्स ये होते हैं, फैक्टर्स सारे लिखे हुए, स्पीड कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द करंट, यूज अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जिस तरह से हमने इसमें किया था कि अगर एंगल बिल्कुल पैरेलल होता है आपके पास 0 डिग्री पर तो मैक्सिमम रोटेशन होती है, 90 डिग्री पर रोटेशन नहीं होती। और उसके अलावा इट कैन बी इंक्रीज बाय फोर्स के भी सारे फैक्टर्स मेंशन है। तो बेसिकली अगर आप इसके क्वेश्चन देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली ये लिखा हुआ है, आ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इज यूज इन अ सिंपल डीसी मोटर, ठीक है, और इट रिवर्सेस द करंट इन द कॉइल, हाउ ऑफन डज इट रिवर्स द करंट। अब उसमें करंट की डायरेक्शन आपके पास रिवर्स होगी, और कितने आपके पास डिग्रीज के बाद वो रिवर्स होगी ये आपने बताना है। एक आंसर आया 180 डिग्री, मतलब हाफ टर्न के बाद, एवरी हाफ टर्न होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब 180 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तो फिर करंट की डायरेक्शन आपके पास जो है वो रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि आपके पास ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, आप बिल्कुल ऑपोजिट हो जाओगे, आपकी जो राइट साइड थी वो लेफ्ट पर है, लेफ्ट साइड राइट पर है, तो इस वजह से आपके पास हर 180 डिग्री के बाद जो है वो आपकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी करंट की। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब पूरी डायग्राम अगर आप इसकी देखो तो, एक मिनट में इसकी डायग्राम पहले आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा फिर। क्योंकि इनकी डायग्राम में आपके पास दो डिफरेंस थे, हमने तो खैर वो दोनों डिफरेंस किए हैं कि कम्यूटेटर में आपके पास क्या डिफरेंस होता है और एसी में हम क्या यूज करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये एक डीसी मोटर की डायग्राम है, जो हम बुक में भी डायग्राम्स देखते हैं वो इसी तरह से होती है। तो बेसिकली हमने ये डिस्कस किया था कि आपके पास इसमें कम्यूटेटर में गैप बनाया जाता है बीच में। अगर आप यहाँ पर देखो तो एक गैप आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मली होता है ये जब तक ये हॉरिजॉन्टल स्टेट यानी हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में, जिस तरह कॉइल अभी आपके पास डायग्राम में आपको नजर आ रही है, जब तक कॉइल इस स्टेट में होती है तो मैक्सिमम रोटेशन मिलती है आपको, क्योंकि आप देखो करंट की डायरेक्शन जो है वो, अगर लेट सपोज पॉजिटिव यहाँ पर है तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से फ्लो कर रही है, और अगर मैग्नेट फील्ड में देखो तो इन टू द पेज जा रही है लेफ्ट से और आउट ऑफ द पेज जा रही है वो राइट से, ठीक है, तो ये करंट की डायरेक्शन है। और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो अगर आप इस पे लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो तो आपको रोटेशन मिल जाएगी कि कॉइल किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। अब रोटेट करने के बाद बेसिकली होता ये है कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स की बात ये है कि जब ये कॉइल आपके पास, अगर आप इसकी एक साइड कंसिडर करो अब, ठीक है, हम सिर्फ इसकी एक साइड कंसिडर करते हैं, लेट सपोज हमने ये लेफ्ट वाली कंसिडर कर ली, अब इसमें करंट की डायरेक्शन है इन टू द पेज, ठीक है, जब ये रोटेट होकर इस साइड पर आ जाएगा, जिस तरह आप पेज टर्न करते हो बुक का, ठीक है, तो पेज जब आप टर्न करते हो तो जो आपका पेज, लेट सपोज आपने राइट हैंड साइड पर टर्न किया तो जो आपकी पेज का कॉर्नर था वो लेफ्ट पर था, अब वो कॉर्नर राइट पर आ गया। इसी तरह से जब कॉइल की ये साइड रोटेट होकर राइट पर आएगी तो आप देखो राइट हैंड साइड पे करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, पहले क्या थी इनवर्ड, बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। तो इसका मतलब ये कि 180 डिग्री पूरा रोटेट जब तक आप कॉइल को नहीं करोगे,
आपके पास जो है वो करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि 90 डिग्री पे तो करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि 90 डिग्री पर ये गैप वाला पार्ट जो है वो कॉन्टेक्ट में आता है, और 90 डिग्री पर हमने पढ़ा था कि 90 डिग्री पर जब कॉइल होती है तो उसको कोई करंट फ्लो नहीं करता, कॉइल इनर्शिया की वजह से रोटेट होकर अपना हाफ रोटेशन कंप्लीट करती है, ठीक है? वरना एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम 1 घंटा इसी पे डिस्कस कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी क्वेश्चन के लिए हमारा इम्पोर्टेंट ये था कि जब रोटेट करनी है आपने इसको 180 डिग्री, तो आपका 180 डिग्री पूरा जो है वो शिफ्ट करोगे तो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, और समझ आ गया होगा। वैसे इतना मुश्किल नहीं था कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा था, ठीक है? तो एवरी हाफ टर्न करंट की डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो रही है। और नेक्स्ट पार्ट देखो, अब आप ये भी डीसी मोटर से रिलेटेड है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था, डायग्राम शोज अ सिंपल डीसी मोटर, द स्विच इज क्लोज्ड एंड द कॉइल रोटेट्स, ठीक है? कॉइल रोटेट हो रही है, सिंपल सी वर्किंग है। विच चेंजेस मेक द कॉइल रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड एट अ फास्टर रेट? तो एक तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने रोटेट करवाना है और दूसरा फास्टर रेट, तो इसका मतलब है फैक्टर्स आपके पास इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा देखो, डायरेक्शन एक होती है, लेकिन आपको जो है वो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट बताया कि आपके पास डायरेक्शन वो किस कौन से पूछ रहा था वहां पर, कि रिवर्स डायरेक्शन, वो एसी वाला रिवर्स नहीं पूछा उसने, उसने कॉइल में पूछा कि कॉइल में डायरेक्शन रिवर्स कब होती है। तो बैटरी की तरफ से तो करंट एक ही जा रहा होता है, सोर्स की तरफ से करंट की डायरेक्शन सेम थी, लेकिन क्योंकि आपके पास कॉइल की साइड्स चेंज हो जाती है, तो कॉइल की साइड्स चेंज होने की वजह से उन साइड्स की डायरेक्शन चेंज होती है। ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड में भी वो यही पूछ रहे हैं कि अगर आपने कॉइल के रोटेशन को ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज करना हो तो आप क्या करोगे? या तो मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स कर दो, ठीक है, या तो हम पॉजिटिव माइनस, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो साइड है बैटरी की उसको रिवर्स कर सकते हैं। अब ऑप्शंस में देखना होगा उन्होंने ऑप्शंस में क्या दिया है। खैर, उन्होंने सारा मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड दिया, तो रिवर्स द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, उन्होंने कहा है एक ऑप्शन में, फर्स्ट वाले से देख लेते हैं, इंक्रीज द करंट इन कॉइल एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें तो ये वाली बात आपकी कंप्लीट हो रही है कि फास्टर रेट हो जाएगा, लेकिन ये वाली बात आपकी मिस हो गई, ऑपोजिट डायरेक्शन वाली। तो ऑप्शन ए इस तरह से पॉसिबल नहीं है। बी में देखो, बी में उन्होंने कहा है रिवर्स बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट। जब आप दोनों रिवर्स कर दोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर अप्लाई होते हैं, ठीक है? और सी में अगर आप देखो तो रिवर्स द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज द करंट। अब इसमें डायरेक्शन वाली बात आपने सही लिखी, हाँ, फास्टर रेट वाली बात गलत हो गई। तो फिर डी ऑप्शन बचता है आपके पास, रिवर्स द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज द करंट इन द कॉइल, ठीक है? तो ऑप्शंस इजी है, अभी स्टार्टिंग क्वेश्चंस कर लोगे तो फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा, फ्लो में सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। और उसके बाद उन्होंने पूछा था, डायग्राम शोज अ वायर पी क्यू बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, देयर इज अ करंट इन द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। जिस डायरेक्शन में एरो है वो डायरेक्शन करंट की है, ठीक है? ये डायरेक्शन आपकी करंट की मूव कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास नॉर्थ टू साउथ होती है हमेशा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर पी क्यू? लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड रूल में आपने बेसिकली करना ये होगा, हाँ, कि फर्स्ट फिंगर को आपने प्लेस करना होगा। सबसे पहले देखो, फर्स्ट फिंगर आप अपने लेफ्ट हैंड की किस डायरेक्शन में रखोगे? डाउनवर्ड। अच्छा देखो, इसमें एक चीज पता है क्या होती है, कभी कभार ऐसा होता है कि ओरिएंटेशन सेट नहीं हो रही होती, ठीक है? अगर ओरिएंटेशन सेट ना हो रही हो तो आप एक काम करना, पेपर अगर पोर्ट्रेट में रखा है ना, अभी आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारी सेटिंग ये होती है, हमारी राइट हैंड साइड पर डायरेक्शन होती है फर्स्ट फिंगर की, ठीक है? तो अगर आप चाह रहे हो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड साइड पर रहे तो आपको इजी होता है फिंगर्स को ओरिएंटेशन में फिक्स करना, तो आप क्या कर सकते हो, आप पेपर रोटेट कर लो, पेपर को लैंडस्केप करके जो है डायरेक्शन फाइंड कर लो, तब भी आंसर सही आएगा, ठीक है? मतलब अभी मेरे पास पेपर जिस फॉर्म में, मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर लूँ तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, राइट हैंड साइड पर आ जाएगी, ठीक है? अगर इसमें डायरेक्शन आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कंफ्यूजन होती है
तो आप पेपर को रोटेट कर लो, और पेपर रोटेट करने के बाद आपके पास होगा ये कि ये डायग्राम आपको इस तरह से नजर आएगी। नॉर्थ यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास, साउथ यहाँ पर आ जाएगा, और करंट जो है वो मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। तो अब मुझे जब लेफ्ट हैंड रूल फिट करना होगा, तो पहले दोनों डायग्राम्स, अब ये दो तरह की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। और अगर आपके पास फर्स्ट वाली डायग्राम को पहले हम कंसिडर करें, तो फर्स्ट वाली डायग्राम का मतलब है फर्स्ट फिंगर डाउनवर्ड होगी, और इलेक्ट्रिक करंट आपके पास कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए, ठीक है। और फोर्स की डायरेक्शन आपने बतानी है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसमें आपके पास जो है ना लेफ्ट हैंड रूल को थोड़ा सा अपनी साइड पे रोटेट करना होगा। मैं देख लेता हूँ एक मिनट, अगर कैमरा से ओरिएंटेशन क्लियर नज़र आ जाती है तो मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से पॉसिबल होगा। क्योंकि इसमें नॉर्मली ये होता है कि लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा ओरिएंटेशन करना मुश्किल होता है। अच्छा, इसमें अगर हम फर्स्ट डायग्राम की बात करें ना, तो फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, तो फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट फिंगर को आपने प्लेस करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो फर्स्ट उसका मतलब ये कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी तरफ ही पॉइंट कर रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी होगी डाउनवर्ड। अब जो करंट की डायरेक्शन है, अच्छा इसमें करंट की डायरेक्शन बेसिकली ये होती है, अब करंट की डायरेक्शन आपकी जो है वो राइट हैंड साइड पर है। तो अगर मैं इसको इस तरह से रखूँ तो मेरी अभी थंब की डायरेक्शन अपवर्ड है, और अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करें तो बेसिकली आपके पास ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है इसमें मार्क करना, क्योंकि रोटेशन बहुत डिफिकल्ट हो रही होती है फिक्स करना। तो इसमें ईजी भी होता है कि आप इसको सेकेंड डायग्राम को फॉलो कर लो, सेकेंड डायग्राम में रोटेशन बहुत ईजीली मिल जाएगी। अब सेकेंड डायग्राम को अगर आप देखो, तो सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग आप ये होगा कि सबसे पहले आपने मैग्नेटिक फील्ड को सेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को आपने सेट किया राइट हैंड साइड पर, ठीक है। आपकी ये राइट हैंड साइड की तरफ आ गई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जा रही है राइट हैंड साइड पर। और करंट की डायरेक्शन कहाँ है आपके पास, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपके पास आप इस तरह से उसको सेट करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट फिंगर आपकी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, और सेकंड फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन। अब जब आप थंब को ओपन करोगे तो थंब कहाँ पर शो कर रहा है, इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज। अच्छा देखो, पहले ना डायरेक्शन बताओ, फिर हम आंसर्स देख लेते हैं। देखो, अगर आप सेकंड डायग्राम को फॉलो कर रहे हो, तो सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, इसको आपने चेंज कर दिया ओरिएंटेशन के हिसाब से, ठीक है। फील्ड हो गई राइट पर, करंट हो गया अपर डायरेक्शन में, ठीक है। और अब आपका जो थंब है, अब बेसिकली पता है क्या होता है, इसमें तीन एक्सिस होते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो एक्स पर आ गई, जो करंट था वो वाई पर आ गया। इसका मतलब ये कि अब जो ये थंब है, फोर्स की डायरेक्शन, ये जेड एक्सिस पर होगा। अब पेज पर क्योंकि हम 3D ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको इन टू द पेज और आउट ऑफ द पेज लिखते हैं। अब ये थंब जा रहे टूवर्ड्स द स्क्रीन, यानी ये आपके पास इन टू द पेज जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि फोर्स की डायरेक्शन किस तरह से हमने आइडेंटिफाई की। जब आप फोर्स की डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लो ना पेपर को रोटेट करके, अब आप सेम अप्लाई करके देखो ओरिजिनल डायग्राम पे, तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मुझे ये इजी लगता है मेथड कि आप पेपर को आप अपने हिसाब से फिंगर्स की ओरिएंटेशन के हिसाब से रोटेट कर लो, आंसर सेम आता है, ठीक है। डायग्राम की पोजिशन मैटर नहीं करती, वो कोई फैक्टर नहीं है। तो आंसर आ रहा है आपके पास इन टू द पेज, यानी जेड एक्सिस इन टू द पेज, ठीक है। चलो अभी बाकी क्वेश्चंस आएंगे। सर बस ये लास्ट पॉइंट नहीं समझ आई, इनटू द पेज वाला कैसे हुआ अब देखो, मतलब उनकी डायरेक्शन बेसिकली वैसे डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड है ना डायरेक्शन, या लेकिन मसला पता है क्या है, वो डाउनवर्ड जो है ना वो बेसिकली जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस का मतलब है थिकनेस। अभी पेपर जो स्क्रीन हमें दिख रही है, इस पर हमें एक्स और वाई एक्सिस तो दिख रहा है, लेकिन अब आपको क्या पता है कि मेरी स्क्रीन की थिकनेस क्या है, ठीक है। आपको जेड एक्सिस नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो जेड एक्सिस बेसिकली आपके पास जो है वो थर्ड डायमेंशन है, वो जो थंब बेसिकली इंडिकेट कर रहा है। अभी हमने डिस्कस किया था तीनों म्यूचुअली आपके पास परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब एक्स एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक करंट आ गया, तो अब आपके पास बचा थर्ड एक्सिस यानी जेड एक्सिस, यानी आप इनटू द पेज जाओगे या तो, ठीक है, या आउट ऑफ द पेज जाओगे। अगर थंब की डायरेक्शन अपवर्ड आती, ठीक है, तो
चौपड़ का मतलब ये हुआ कि आपके पास आउट ऑफ द पेज, ठीक है आउट ऑफ द ना। पेज। जब हम एक्सेस बनाते हैं तो हमने एक्सेस पर एक्स और वाई दोनों अलॉट कर दिए, सिर्फ रह गया जेड। तो अगर थंब की डायरेक्शन आपकी जो है वो डाउनवर्ड होती तो हम इनटू द पेज लेते, और अगर अपवर्ड होती तो आउट ऑफ द पेज लेते, ठीक है। अब क्लियर। तो बेसिकली डाउनवर्ड, हमें लग तो डाउनवर्ड रहा होता है, लेकिन हमें ये बात भी याद रखनी है कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो एक एक्सिस पे दो क्वांटिटीज कभी भी नहीं आएंगी। उसके बाद मैग्नेट को हम मूव कर रहे हैं प्लेस नियर टू अ सोलेनोइड दैट इज कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव सेंटर 0 एमीटर, ठीक है। द मैग्नेट इज पुश टूवर्ड्स द सोलेनोइड, इसको हमने यहाँ पर पुश किया। इट एक्सेलरेट्स देन मूव एट कॉन्स्टेंट स्पीड, पहले जाहिर सी बात है जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। एक्सेलरेट करने के बाद कॉन्स्टेंट स्पीड, तो अब आपने फाइंड ये करना है, देन डेसेलरेट्स एंड स्टॉप इनसाइड द सोलेनोइड। तो पहले आपने इंक्रीज किया, फिर कांस्टेंट किया, फिर स्लो कर दिया, ठीक है। मतलब आप रेड सिग्नल से स्टार्ट हुए, एक्सेलरेट किया, फिर कांस्टेंट, फिर दोबारा रेड सिग्नल पे आके रुक गए। अब वो पूछ रहे व्हाट इज द रीडिंग ऑन दी व्हेन इज द रीडिंग ऑन दी एमीटर जीरो। अब आपको पता है जब मैग्नेट स्टेशनरी होता है तो तभी वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि जब मूवमेंट नहीं होगी, और मूवमेंट नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही होती है, ठीक है। तो जब आपके पास मैग्नेट बिल्कुल स्टिल हो जाएगा, तो स्टिल होने का मतलब ये कि कोई चेंज नहीं होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो व्हेन मैग्नेट इज स्टेशनरी, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी व्हेन द मैग्नेट इज मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड। अच्छा, जब वो मूव कर रहा होगा ना बेसिकली, तो मोशन तो है वहां पर, तो वो करंट की वैल्यू शो करेगा लेकिन कांस्टेंट। जब इंक्रीज हो रहा होगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगी, जब डिक्रीज हो रहा होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगी, जब कांस्टेंट होगा तो वो एक जगह पे करंट की वैल्यू फिक्स दिखा रहा होगा, जैसे लेट सपोज 0.1 एम्पियर, और जब स्टेशनरी होगा ना तो वो जीरो पे डिफ्लेक्शन वापस हो जाएगी और वो रेस्ट में आके पॉज हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो रीडिंग शो करेगा, बिल्कुल कॉन्स्टेंट शो करेगा। अब इसमें भी बेसिकली पूछा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, और क्वेश्चन की थ्योरी ये दी है उन्होंने, टीचर मूव द मैग्नेट इन टू एंड आउट ऑफ द कॉइल, ठीक है। एरो की डायरेक्शन से आपको पता चल रहा है दोनों साइड मूव कर रहे हैं हम, इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो कॉइल में जो है वो डिफ्लेक्शन होती है लेफ्ट राइट, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी ये आपने बताना है। इंक्रीजिंग द स्पीड एट विच द मैग्नेट एंटर्स द कॉइल इंक्रीज द इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है। दो लोगों ने सी आंसर कहा है, और किसी का कोई आंसर? ऑप्शंस पढ़ लो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, वरना फिर मैं आंसर बता देता हूँ फाइनल। पहले एक बार देख लो अगर किसी ऑप्शन में कंफ्यूजन लग रहा है तो। ठीक है, सी में लिखा हुआ है बेसिकली इंक्रीजिंग द स्पीड एट विच द मैग्नेट एंटर्स द कॉइल इंक्रीजेस द इंड्यूस वोल्टेज। सिंपल सी बात है कि जितना स्पीड से आप एंटर करवाओगे या जितना स्पीड से आप उसको लीव करोगे कॉइल को, उतना आपके पास इंड्यूस वोल्टेज होगा, तो सी बिल्कुल राइट चॉइस है, ठीक है। अच्छा, अब ए में पता है क्या है, एज द मैग्नेट इज मूव्ड इन टू द कॉइल द लेफ्ट हैंड ऑफ द कॉइल बिकम साउथ पोल। अब उन्होंने कहा ये साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप लेंज लॉ याद करो, ठीक है। लेंज लॉ बेसिकली स्टेटमेंट, अगर नहीं भी याद कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी हमारा P1 है, हमें लिखना नहीं पड़ेगा। लेंज लॉ ने ये बताया था कि आपके पास बेसिकली जब मैग्नेट मूव कर रहा होगा कॉइल के थ्रू, तो जब कॉइल के थ्रू आपके पास मैग्नेट मूव करेगा तो कॉइल पे भी आपके पास मैग्नेटिक पोल्स जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जब करंट आपके पास फ्लो करता है कॉइल से तो उसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है कॉइल की दोनों साइड पर, एक साइड नॉर्थ हो जाएगी, एक साइड साउथ। तो लेंज लॉ ने ये कहा था कि बेसिकली इसमें ऑपोजिट पोल जनरेट होते हैं। ऑपोजिट पोल का मतलब ये कि अगर आप मैग्नेट को राइट पर लेकर आ रहे हो, ये चीज ध्यान से सुनना क्योंकि ये आगे भी काम आएगी फिर जब लेंज लॉ के क्वेश्चन होंगे। तो जब मैग्नेट को आप राइट हैंड साइड पे मूव कर रहे हो तो हमारा नॉर्थ पोल है राइट पर, ठीक है।
तो कॉइल पर जो पोल बनेगा ना वो बनेगा साउथ, सॉरी यहाँ पर पोल बनेगा साउथ तो उन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ है ना, हमारा जो ओरिजिनल पोल बनेगा वो नॉर्थ, बनेगा नॉर्थ, क्योंकि ऑपोजिट रिएक्शन देना है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, तो नॉर्थ बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे, साउथ उन्होंने ऑप्शन में दिया है। और जब आप दूर जा रहे होगे अवे तो उस वक्त आपके पास साउथ बनेगा, ठीक है। तो लेंज लॉ की वो सिंपल सी स्टेटमेंट है आपके पास बेसिकली, और उसको सिंपल अगर उसमें याद रखना हो तो बेसिकली हमने इसको इस तरह से किया हुआ था कि आपके पास जो भी पोल एंटर होगा ना कॉइल में, तो जो आ रहा है उसको आपने आने नहीं देना और जो जा रहा है उसको जाने नहीं देना है। तो जो पोल आपके पास एंटर होगा, नॉर्थ पोल आपके पास एंटर हो रहा है ना, तो आप उसको अपोजिट पोल दो ताकि वो रिपेल हो, ठीक है। तो नॉर्थ को आपने नॉर्थ से रिपेल कर दिया, और जब नॉर्थ अवे जा रहा था तो फिर आप उस पे साउथ जनरेट कर दोगे, क्योंकि साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन ए में साउथ पोल गलत आ रहा है। हाँ, ए और बी ऑप्शन को शफल कर दो, फिर दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स विच आर वाउंड ऑन टू अ मेटेलिक कोर, विच टाइप ऑफ वोल्टेज इज सप्लाइड टू द ट्रांसफार्मर एंड विच मेटल इज यूज टू मेक द कोर। इजी है, ऑल्टरनेटिंग हाँ। ऑल्टरनेटिंग हम यूज करते हैं, और ऑल्टरनेटिंग के साथ आपका मटेरियल कौन सा होता है? आयरन कोर यूज करते हैं, और आयरन कोर का हमें रीजन पता है कि वो इजिली मैग्नेटाइज और इजिली डीमैग्नेटाइज हो जाता है, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। तो आयरन और ऑल्टरनेटिंग, क्योंकि ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर आपके पास एसी की एप्लीकेशन में आती है, क्योंकि इसमें हमें, अच्छा एसी का रीजन ये है कि जब आप एसी करंट यूज करते हो ट्रांसफार्मर में, एक मिनट मैं देखता हूँ अगर इसमें मार्किंग की है मैंने ट्रांसफार्मर की, होगी इसमें। अच्छा बेसिकली इसमें ये होता है, इट इज अ डिवाइस दैट कैन बी यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन एसी। बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट वो यूज करते हैं, जब एक कॉइल से करंट पास होगा ना एसी, तो एसी में ऑटोमेटिक डायरेक्शन चेंज होती है, और जब डायरेक्शन चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। अब अभी हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े उसमें हम मैग्नेट को या तो मूव करवा रहे थे या कॉइल को मूव करवा रहे थे, लेकिन जब हम डिवाइस बनाते तो डिवाइस में कोई मैनुअल अंदर कोई काम नहीं कर सकते हम, तो हमें डिवाइस ऐसी चाहिए होती है जो ऑटोमेटिक काम करे। तो बेसिकली हम इसको एसी पे ऑपरेट करते हैं, एसी से क्या होगा डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती रहेगी, करंट फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। इस वजह से आपकी जो नेबरिंग कॉइल है यानी सेकेंडरी कॉइल, उसमें ऑटोमेटिक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा हर बार, तो इस वजह से एसी यूज करते हैं डीसी यूज नहीं करते, सिंपल सा रीजन है, ठीक है। आयरन और सर, वाई इज देयर नीड टू कीप, मतलब उसको चेंज करते रहना हमें? अभी आपने ऊपर देखा कि अगर मैग्नेट स्टेशनरी हो तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है, ठीक है। और ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बेसिक थ्योरी पढ़ी थी कि आपके पास जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए या तो करंट की डायरेक्शन आप चेंज करो या आप मैग्नेट की के पोल्स को चेंज कर दो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जिस तरह ये लिखा हुआ एन ईएमएफ विल इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, तो अब मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप चेंज नहीं कर सकते मोशन के थ्रू, तो आप क्या करोगे, या तो पोल्स चेंज करो। अब मसला ये कि जब हम डिवाइसेस बनाते हैं हमारी डेली लाइफ में जो कंपोनेंट्स अप्लायंसेस हैं, तो उसमें हम मैनुअली अगर काम कर रहे होंगे तो फिर उन अप्लायंसेस का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो उसको ऑटोमेटिक बनाने के लिए हम एसी यूज करते हैं। एसी में क्या होगा कि जब करंट फॉरवर्ड जा रहा होगा तो फॉरवर्ड जाते हुए वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी। अब आपको पता है कि वो एक जगह जाकर कांस्टेंट होना उसने, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि एसी है ना, तो वो डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा, तो आपके पास वैल्यू एक जगह रुकेगी नहीं, करंट का फ्लो रिवर्स होता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड में और भी सिचुएशन इससे हम आपकी। ताकि पोल्स चेंज होते रहे, हम हाँ, मैग्नेटिक क्या नाम है दूसरा फील्ड की वाला यूज फ्लक्चुएशन करते होती हैं, रहे, हाँ सिंपल आपका मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेरी। चेंज होती रहे, तो जैसे जैसे वो चेंज होती रहेगी ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा आपके पास, ठीक है। और आपको पता है एसी की स्पीड इतनी स्लो तो नहीं होती कि वो बहुत स्लो स्लो मूवमेंट करे, अगर हम तो पाकिस्तान, इससे हम हाँ आयरन भी यूज करेंगे। आयरन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आयरन के ऊपर इसको वाउंड किया जाता है, ये मटेरियल आयरन है। अब अगर हम आयरन यूज नहीं करेंगे ना, तो अगर लेट सपोज हमने एक बार ट्रांसफार्मर यूज किया और हमने स्टील का कोर ले लिया,
तो स्टील का कोर का मतलब ये होगा कि आपके पास स्टील अगर एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, तो फिर वो जो हमारा यस, कॉन्सेप्ट है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वाला, वो खत्म हो जाएगा, इस वजह तो से जो वहां वापस से वो चेंज होगा तो फिर वो काम नहीं आएगा. वो स्टिक हो जाएगा उस पर बस, वो कुछ भी चेंज शो नहीं करेगा। तो ये रीजन है एसी यूज करने का। पी एंड क्यू रिप्रेजेंट्स टू पैरेलल स्ट्रेट वायर्स कैरिंग करंट इन टू द प्लेन ऑफ पेपर। पी एंड क्यू एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन ईच अदर। अच्छा, क्रॉस का मतलब उस दिन भी बताया था कि इनटू द पेज को शो करता है, पॉइंट होगा तो आउट ऑफ द पेज। विच एरो शोज द फोर्स ऑन क्यू। अच्छा, वो क्वेश्चन नीचे वाला अलग है, इसको जूम इन कर लेते हैं। अच्छा, दोनों आपके पास पैरेलल वायर्स रखी हुई है, मतलब अगर आप टेबल के ऊपर दो पेन या पेंसिल को वर्टिकली रखो तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और दोनों में जो है वो डायरेक्शन डाउनवर्ड है, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और वो आपसे कह रहे हैं कि क्यू पर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी। डी पे। अच्छा, अब इसमें देखो सबसे पहले होगा क्या कि आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसी होगी, आपके पास करंट इनटू द पेज है, तो करंट इनटू द पेज का मतलब है थंब आप टूवर्ड्स स्क्रीन रखो तो फिंगर्स की रोटेशन आपकी इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन इस तरह से होगी, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो, अब फील्ड की डायरेक्शन को देखो और करंट की डायरेक्शन को देखो और फिर फोर्स को अगर आप कैलकुलेट करना चाहो, अब जो पोजीशन क्यू की है वही पोजीशन पी की है, क्योंकि पी भी आपके पास सेम डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और डाउनवर्ड अगर आपके पास करंट फ्लो कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें भी कैसी जनरेट होगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब आपके पास दोनों चीज़ें, दोनों कॉइल सेम है बिल्कुल, दोनों वायर्स में करंट सेम फ्लो कर रहा है, अब आपने ये बताना है कि आपका चेंज किस तरह से होगा, फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगी। ठीक है, अब आपके पास देखो रोटेशन क्लॉकवाइज कंप्लीट हो रही है आपके पास, और क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब ये है कि पी भी आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगा, ठीक है, और क्यू भी आपके पास जो है वो उसी के साथ बिल्कुल सेम मोशन में जाएगा, क्योंकि दोनों की ओरिएंटेशन सेम है, दोनों पे फोर्स आपके पास सेम अप्लाई होगी, ठीक है। तो दोनों आपके पास जो है वो रोटेशन अगर आप देखो तो रोटेशन आपके पास जो है वो राइट टू लेफ्ट जा रही है, तो लेफ्ट का मतलब ये हुआ कि आप डी की तरफ इस पे फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। आप सिंपल इसमें रोटेशन से आप आइडिया कर सकते हो, और डी डायरेक्शन इस वजह से भी ली क्योंकि डी आपके पास पी के क्लोज है, तो दोनों आपके पास वायर्स हैं, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड सेम जनरेट हो रही है, तो दोनों की मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगी सेम जहाँ पर दोनों कॉइल्स हैं। अगर ये कॉइल बी की तरफ रखी होती पी वाली तो आपके पास डायरेक्शन जो है वो बी की तरफ होती, अगर ए की साइड रखते तो हम ए की तरफ रोटेशन होती मोशन होती, तो इस तरह से आपके पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली एक और नेबरिंग कॉइल आपके पास आ गई, अगर सिंगल कॉइल की बात होती तो अलग बात थी, तो हम उस पर सिंपल जो है वो डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लेते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक और नेबरिंग कॉइल रखी है, दोनों में इफेक्ट सेम है, तो दोनों आपके पास उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रही है। सर, हम इसमें फोर्स का नहीं कर रहे. फोर्स की डायरेक्शन ही आपने फाइंड आउट करनी है, लेकिन अगर आप इसमें देखो ना फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, तो फील्ड बेसिकली आपकी जो है वो नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती है, ठीक है, तो आपकी जो नॉर्थ टू साउथ होगी फील्ड, ठीक है, तो वो नॉर्थ टू साउथ फ्लो हो रही है, और करंट आपके पास जेड एक्सिस पे, तो आपकी जो मोशन होगी तो वो एक्स एक्सिस पर होगी, या तो वो बी की तरफ होगी या तो वो ए की तरफ होगी। मोशन हमारी एक्स एक्सिस, फील्ड हमारी जो है वो वाई एक्सिस। इसमें लेफ्ट हैंड रूल लगा है. इस पे लेफ्ट हैंड रूल आप अप्लाई करोगे, क्योंकि बेसिकली उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का आपको कॉन्सेप्ट नहीं दिया ना, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट की वजह से इस पे सिंपल हम बस रोटेशन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट्स नहीं रखे थे, और जो आपके पास यहाँ पे फील्ड जनरेट हो रही है बेसिकली, तो फील्ड की जनरेट होने की वजह से आप जो है वो डायरेक्शन इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, इसलिए लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना यहाँ जरूरी नहीं है। हाँ, अच्छा, लेकिन अप्लाई कर लें तो फिर डी आंसर ही आता है। अगर आप अप्लाई करते हो तब भी डी आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसलिए कंपलसरी नहीं, क्योंकि मैग्नेट परमानेंट उन्होंने नहीं दिए, फील्ड आपके पास वायर की वजह से जनरेट हो रही है। और उसके बाद ये वाला तो सिंपल, उन्होंने पार्ट का नाम पूछा है, क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कम्यूटेटर, ठीक है कम्यूटेटर है सिंपल, क्योंकि एसी में स्लिप रिंग्स होते हैं और कम्यूटेटर आपके पास हाँ डीसी होता है, बाकी आपको पता ही है मैग्नेट्स हो जाएंगे, और सेंटर में ये कॉइल जो है इसको हम आर्मेचर, और कॉइल आपके पास है वो पूरा फ्रेम के साथ हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा ये वाला भी सिंपल है, द डायग्राम शोज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड वायर एक्स विच कैरीज द करंट इनटू द पेपर, द एरोज ऑन द फील्ड लाइन शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन, एरोज ऑन द फील्ड लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन, अब नॉर्थ पोल साउथ पोल, स्मॉल नेगेटिव चार्ज अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम रोटेशन फाइंड आउट करते हैं तो नॉर्थ की डायरेक्शन से करते हैं, नॉर्थ टू साउथ, तो बेसिकली ये जो डायरेक्शन आपके पास शो हो रही है, ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ आपको शो कर रही है। अच्छा 10 वाला भी रिपीटेड ही है। अच्छा ये 9 और 10 ना दोनों एक दूसरे से लिंक है, ठीक है, अब आपने देखो इसमें नॉर्थ पे टिक किया ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी आपके पास सेम रेफरेंस 10 में भी वही रिपीट हो रहा है, और क्वेश्चन आपके पास अलग अलग स्टेटमेंट के साथ पूछा है उन्होंने। सही, वैसे कैसे नॉट दिखा रहा है मुझे समझ नहीं। इसमें उन्होंने पूछा था एरोज ऑन द फील्ड लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन,